नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 व 24 जुलाई को होने वाला है। तो इसको देखते हुए दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइजेशन और इसमें कितने नंबर पर आपको पात्र घोषित किया जाएगा दोस्तों, मुख्य पेपर के सिलेबस के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा दोस्तों, और मुख्य पेपर के एग्जाम डेट भी क्या रहने वाली है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि मुख्य पेपर का टॉपिक वाइज सिलेबस जारी किया जाए। इसको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भी भेज दी गई है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा। अब दोस्तों आपका सिलेबस जारी करने को लेकर शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में अगर आप रीट के छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। रीट शिक्षा भर्ती की लेटेस्ट न्यूज आपको सबसे पहले चैनल पर दोस्तों देखने को मिल जाती है। तो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 23-24 को एग्जाम होने वाली है और 25 जुलाई को भी रिजर्व में रखा गया है, यानी कि अगर ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं तो 25 जुलाई को भी एग्जाम हो सकती है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि वो 23-24 जुलाई को परीक्षा केंद्र बुक कर लें। वहीं दोस्तों सिलेबस की बात करूँ तो रीट के बाद शिक्षा भर्ती के लिए अलग से परीक्षा का आयोजन होगा। रीट का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा शिक्षकों के 46,500 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसकी परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है। जनवरी में दोस्तों अपडेट है कि 23 जनवरी को एग्जाम आयोजित हो सकती है। मुख्य पेपर के सिलेबस को लेकर दोस्तों बोर्ड ने पूरी तैयारियां कर दी हैं और सिलेबस भी दोस्तों आपका जल्द ही जारी हो जाएगा। रीट 2022 जो है दोस्तों 46,500 पदों पर होने वाली है। ये दे सकते हैं आपको एक बार मैं बता देता हूँ दोस्तों, 46,500 पद भी शामिल हैं। रीट की सबसे बड़ी भर्ती है और लेवल फर्स्ट व लेवल टू का जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है इसको लेकर जल्द ही बैठक होगी और आपका सिलेबस जारी किया जाएगा। या दोस्तों 23-24 जुलाई के अलावा 25 जुलाई को भी रीट पात्रता एग्जाम का आयोजन हो सकता है। तो ऐसे में इसमें नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। रीट में दोस्तों जनरल कैटेगरी वाले छात्रों को लगभग 90 अंक लाने होंगे दोस्तों, और SC ST OBC वाले कैटेगरी वाले छात्रों को 82 अंक यानी कि 55% और 60% अंक लाने वाले छात्रों को इसमें पास किया जाएगा। तो रीट को लेकर दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है। मैं अगर बात करूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जनवरी में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ये दे सकते हैं। रीट जनवरी में होगी, इससे पहले CET भी होगा, लेकिन CET दोस्तों रीट जो है इसमें शामिल नहीं है, ना ही दोस्तों मुख्य पेपर में CET देना है। सिर्फ जो है CET राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अन्य भर्तियों में लागू होगा। 9 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं। BEd वालों के फॉर्म ज़्यादा हैं। BEd वालों ने लगभग 12 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं। BSTC वालों ने, लेवल फर्स्ट वालों ने 3 लाख फॉर्म ही भरे हैं। तो जल्द ही दोस्तों इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। एग्जाम सेंटर की लिस्ट अब इसी महीने में अपलोड कर दी जाएगी और 23-24 जुलाई को एग्जाम है, तो इसको देखते हुए आपके 15 जुलाई तक एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस जारी करने को लेकर बोर्ड ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और जल्द ही बोर्ड अब इसका सिलेबस जारी करेगा। 23-24 जुलाई के अलावा 25 जुलाई को भी रीट परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, ये देख सकते हैं दोस्तों। एग्जाम सेंटर बुक करने को लेकर पहले से ही बोर्ड ने यहाँ पर सभी कॉलेजों को, प्राइवेट और निजी कॉलेजों को, पहले पत्र लिख दिया है कि आप 23-24 जुलाई और 25 जुलाई को भी परीक्षा केंद्र पर अपनी तैयारी सुचिता पूर्व कर लें, एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों रीट में 90 और 82 अंक आपको लाने होंगे पास होने के लिए। हालांकि नॉर्मलाइजेशन लगता है तो 3-4 अंक का आप एक्स्ट्रा लेके चलें, आप 100 अंक का टारगेट लेके चलें तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको मुख्य पेपर में बैठने का मौका मिलेगा। मुख्य पेपर कट ऑफ के हिसाब से पर जो है आपके सेलेक्टेड होंगे 46,500 की तो है दुगना लिस्ट को, यानी कि लगभग 1 लाख छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चुना जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।